पहले के इस अध्याय में हम सब जीएसटी यानी कि जितने भी टाइप्स के हमारे जीएसटी लगाए जाते हैं उनका लेजर क्रिएट करना और किसी भी प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाकर उसे कैसे सेल किया जाता है, कैसे परचेस किया जाता है, इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैंने जीएसटी को अनेबल करना उससे संबंधित वीडियो बना रखा है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। तो अब आइए हम सबसे पहले जितने भी टाइप्स के हमारे लेजर बनाए जाते हैं यानी जीएसटी के लेजर होते हैं यानी जितने भी टाइप्स के हमारे जीएसटी होते हैं उनका लेजर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिस कंपनी में आपको जीएसटी अनेबल यानी जीएसटी का लेजर क्रिएट करना हुआ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, चले जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन में यानी जीएसटी का लेजर क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आना है। और यहाँ पर आने के बाद हमको मिलेगा यहाँ पर लेजर का ऑप्शन, यानी हमें क्या करना है, लेजर वाले ऑप्शन पर चले जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद अब हमें यहाँ से क्या करना है, जो लेजर होता है उसे क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जाने के बाद अब यहाँ पर आपका दे रहा है नेम ऑफ यानी कि जो हमारा लेजर होता है यानी जो जीएसटी होते हैं उनका नेम यहाँ पर हमें देना होगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो जीएसटी होता है वो तीन टाइप्स के लगाए जाते हैं। सबसे पहला तो हमारा होता है IGST यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, फिर उसके बाद होता है CGST यानी कि सेंट्रल जीएसटी, फिर उसके बाद आता है हमारा SGST यानी कि स्टेट जीएसटी। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो IGST होता है पहले उसका लेजर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे IGST, इसको देने के बाद एंटर करते हुए हम आगे आएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो IGST होता है यह क्या होता है, हमारा टैक्स होता है, यानी कि जो हमारा IGST होगा वो हमारा टैक्स के लेजर में जाएगा यानी जो टैक्स लेजर होता है उसके अंदर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे डी। डी को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ड्यूटी एंड टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्स को ले लेना है। लेने के बाद अब यहाँ पर देता है हमारा टैक्स टाइप यानी कि जो टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स यानी जो हमारा टैक्स लग रहा है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है, जीएसटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जीएसटी को ले लेंगे। जीएसटी को लेने के बाद अब आता है टैक्स टाइप यानी जो टैक्स आपका लग रहा है वो किस टाइप का लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा IGST यानी इंटीग्रेटेड टैक्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स को ले लेंगे। ओके, लेने के बाद आपका परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आता है, तो आपका जो IGST का जितना भी परसेंटेज होगा वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो जो भी है वो हमें यहाँ पर दे देते हैं, तो हम यहाँ पर 18% का जो जीएसटी वो लगा देते हैं। यानी लगाने के बाद इंटर करते हुए हम आगे जाएंगे और इंटर करते हुए उसे एक्सेप्टेड कर लेंगे। तो हमारा जो IGST का लेजर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर CGST का बना लेना है, CGST। ओके, और उसी तरह से सेम हमें पूरा ऑप्शन इसमें भी दे देना है, ड्यूटी एंड टैक्स, और यहाँ से जीएसटी ले लेना है। फिर यहाँ से हमारा क्या है, CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स, ये दे देना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9%। अगर आपका IGST 18% है तो आपका जो सेंट्रल होगा और स्टेट जो होगा वो 9.9% का होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा CGST है उसे 9% दे देंगे और बाकी इसे इंटर करते हुए एक्सेप्टेड कर लेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट SGST। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, SGST दे देना है। देने बाद इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेंगे यानी इसको भी ड्यूटी एंड टैक्स में रखेंगे और इसको भी GST में ले लेंगे। और ये हमारा किसके अंदर जाएगा, स्टेट यानी SGST हमारा किसके अंदर जाता है, स्टेट टैक्स के अंदर। बस क्या करना है, इसको भी 9% का हम यहाँ पर दे देते हैं। और यहाँ पर आपका परसेंटेज आप कैलकुलेशन देना है तो दीजिए, नहीं छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ पर दे देते हैं, बाकी हम इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेते हैं। करने के बाद हमारा जितने भी टाइप्स के जो जीएसटी होते हैं लगाए जाते हैं उनका लेजर मैंने यहाँ पर बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब अपने प्रोडक्ट पर जो होता है यानी जो सेल करने जा रहे हैं या परचेज करने जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट पर जीएसटी लगाना होगा, तो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए हम स्केप करते हुए पीछे आएंगे। ओके, अब हमें अगर सेल करना होगा या परचेज करना होगा तो हमें कहाँ पर जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद अब हमें सेल करना है कि परचेज, हम यहाँ पर सेल कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमारा सेल के लिए होता है F8 यानी कि अगर आपको सेल करना होगा तो उसके लिए कीबोर्ड होता है F8। ओके, करने वाला रेफरेंस नंबर जो है आप दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका आता है कि जो पार्टी अकाउंट नेम है उसमें आप क्या देंगे, तो हम यहाँ पर कैश दे देते हैं। कैश देने के बाद इसे यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेते हैं यानी कंट्रोल ए से एक्सेप्टेड। फिर उसके बाद यहाँ पर सेल पर जाएंगे। सेल में जाने के बाद अब आता है नेम ऑफ आइटम। अब हमें क्या करना है, जो भी आइटम सेल करना होगा उस आइटम के यहाँ पर नाम दे देना है।
देने के बाद अब यहाँ पर आपका दे देता है लोकेशन, यानी जो आइटम आप बेच रहे हो वो किस लोकेशन से आप बेच रहे हो वो लोकेशन आप दे दोगे। तो हमारा एक SKICT गोडाउन है और एक मेन लोकेशन है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं मेन लोकेशन को ले लेते हैं। लेने के बाद अब यहाँ पर हमें कितने केजी बेचना है वो केजी दे देना है, बाकी जो रेट है वो रेट आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद आप इंटर करते हुए नीचे आएंगे तो और कोई प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आप यहाँ पर दीजिए, नहीं तो अब अगर आपको इस पर GST लगाना है तो एक इंटर और प्रेस करके आपको नीचे आ जाना है। अब आने के बाद अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो GST होता है उसको हमें लगाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले SGST जो होता है वो लगा देते हैं। SGST यहाँ से हम ले लेते हैं, लेने के बाद इंटर करते हैं तो आप देखेंगे जैसे ही हम SGST लगाए तो 9% का हमारा कितना गया, 216 रुपये। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट 2400 का या जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसका अगर आप 9% GST लगाते हो तो आपका 216 रुपये आ जाएगा, यानी कि 2400 का कितना हमारा आया, 216 रुपये। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर SGST के बाद CGST लगाते हो तो CGST का भी 9% का उतने ही आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, CGST और SGST लग चुका है। लगाने के बाद इंटर करते हुए हमें क्या करना है, अब इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो GST होता है वो किसी भी प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। अब अगर हमें अपने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना हो, क्या परचेज करना हो यानी GST लगाकर परचेज करना हो, तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है F9। अब जैसे F9 करेंगे तो हमारा परचेज वाउचर जो होगा वो आ जाएगा, जिसमें हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर आएगा। सप्लाई इनवॉइस नंबर जो भी देना हो दे दीजिएगा। फिर आता है डेट, यानी जिस दिन आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं वो डेट। फिर उसके बाद आता है आपका पार्टी अकाउंट नेम, तो आप पार्टी अकाउंट नेम में क्या करते हैं यहाँ से कैश ले लेते हैं। कैश लेने के बाद बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर करते हुए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन टाइप। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर दिया अनरजिस्टर्ड, अगर यहाँ पर अनरजिस्टर्ड रहेगा तो आपका जो GST लगाएंगे वहाँ पर कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे हम मान लीजिए इसको अनरजिस्टर्ड ही रहने देते हैं, रहने के बाद परचेज करते हैं, आइटम जो भी है वो आइटम दे देते हैं। जिस गोडाउन में हमें क्या करना हो, उसको परचेज करना हो, यानी जिस भी गोडाउन में हमें अपने आइटम को परचेज करना है उस गोडाउन का नाम, तो हम SKICT में अपना परचेज करते हैं, ओके। अब क्वांटिटी यानी जितना पीस हमें खरीदना होगा वो क्वांटिटी दे देंगे और रेट जो है वो रेट दे देंगे। देने के बाद इंटर करते हुए एक्सेप्टेड करके हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें अगर देना हो तो यहाँ पर दीजिए और कोई आइटम, नहीं तो इंटर करके आप एक इंटर नीचे और आ जाइएगा। अब यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर CGST लगाते हैं या तो SGST लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम SGST लगाते हैं और यहाँ पर 9% आ गया, लेकिन कैलकुलेशन हमारा नहीं किया, यानी कि जो 9% का जो GST है वो कैलकुलेशन नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर हमने आपको बताया था कि अनरजिस्टर्ड ही था। तो वहाँ पर हमें क्या करना, थोड़ा सा इसके पर पीछे जाना है, ठीक है, और यहाँ पर हमें जो भी देना हो और थोड़ा सा और पीछे, ठीक है, सप्लाई इनवॉइस नंबर जो भी देना हो दे दीजिएगा, डेट जिस दिन परचेस हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पर दे देना है। देने के बाद यहाँ से कैश दे देना है। कैश देने के बाद अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप है, अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर रेगुलर या कंज्यूमर या कंपोजिशन देना होगा। अगर आपका GST अनरजिस्टर्ड पर रहेगा तो आपका जो GST लग रहा है 18% 9% जो भी लग रहा है वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। इसलिए आपका यहाँ पर जो GST है वो रेगुलर हो चाहे कंज्यूमर हो या कंपोजिशन हो, वो आपको यहाँ पर ले लेना है। लेने के बाद हम यहाँ से रेगुलर को ले लेते हैं। लेने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना GST लगाते हैं, तो परचेस पर जाते हैं। अब जो आइटम हमें परचेस करना होगा वो आइटम दे देंगे। आइटम देने के बाद अब जिस लोकेशन में हमें इसे रखना है यानी जिस गोडाउन में हमें रखना होगा उस गोडाउन का नाम यहाँ पर दे देना है। जितना आइटम रखना होगा वो आइटम दे देंगे और रेट जो होगा वो रेट दे दीजिएगा। देने के बाद इंटर करते हुए आपको इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। अब करने के बाद एक इंटर और करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा SGST है वो लगाते हैं। अब जैसे SGST देखिए हमने यहाँ पर लगाया 9% वो कैलकुलेट कर दे दिया, यानी जो कैलकुलेशन था वो कर हमारा 9% का दे दिया। तो ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर आपका जो अनरजिस्टर्ड है उसे आपको रेगुलर या कंपोजिशन हुआ या कंज्यूमर हुआ उसमें आपको ले लेना है। देने के बाद इंटर करते हुए आपको आगे आ जाना है। अब एक हमें CGST जो हमारा होता है CGST को भी लगा देना है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेगा। देने के बाद इंटर करते हुए अब हमें इसे क्या करना है, यहाँ से एक्सेप्टेड कर लेना है। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट को GST लगाकर सेल करना हो या तो परचेज करना हो तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।